चटपटी खबर। जी आओ तुसी आगे लो जी तुहानू ना अज आपां गरम गरम काढ़ा पिलाईए ते नाले ना सच दा सामना भी करवाईए। और सर जी आ सुन लो कश्मीर च जिहड़ा पड़थू तुसी पवांदे हो कश्मीर साडा साडा करके ना सारी दुनिया नू राग सुनांदे हो सच सुन के ना जी अज तुहाडे कन्न खड़े हो जाणगे दिल बैठ जूगा ते थोड़े जिहे ना जी साह भी औखे हो जाणगे। ओ जी पीओके वाले कहंदे आ शराफत वाली गंद इत्थे पांदे आ इही जबरदस्ती पुलिस ते पत्थर मरवांदे आ आ गए हुण कहंदे असी तंग पीओके वालिया ने जी गल्लां नाल ना छेड़ती तुहाडे खिलाफ जंग। ओए होए मैं क्या जी सुन लो। हाँ जी चलिए इनका माहौल ही ऐसा इनके अपने खुद जो बच्चे हैं वो फॉरेन मुल्कों में पढ़ रहे हैं तो ये सोचते गरीब के बच्चे जो है बच्चियां हैं तो ये खत्म होनी चाहिए बुरबारी यहाँ पर हो जाए। ये हमारे जो बच्चे IAS या KS टॉपर नहीं बनने चाहिए ये बुरबारी ज्यादातर ये बुरबारी चाहते हैं यहाँ की बच्चों के लिए। ओ सुन लो सर जी हाँ जी काड़ा हाली खत्म नहीं होया जी तुसी तो पीओके च बाला पड़थू पाया होया अपने बच्चों नू तो तुसी फॉरेन कंट्री दे कॉलेजां च पढ़ाउण नू पाया होया आ पीओके वाले जवाकां दे हाथ च तुसी पत्थर बनांदे हो ओना नू वरगला के आप भज जांदे हो तुसी यही चाल चली हुई है ताई तो पीओके दे जवान बच्चों की किस्मत सोई हुई है। देखिए जहाँ तक कश्मीरी बच्चों बहनों या बेटियों का सवाल है उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कश्मीर की बेटियां IPS करके SSB रैंक तक बन गई और जो कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करती है लेकिन एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक प्री प्लानड है कि यहाँ के बच्चियों को एजुकेशन से दूर रखे ताकि वो जहालत का ज़माना फिर आए और उससे जो आने वाले नस्लों वो भी जाहिल पैदा हो और जहालत की उस पैदावार को वो अपनी बेटी में जोकर अपने तरीके से काम करवा दे। जहाँ तक यहाँ की बच्ची का सवाल है हर एक बच्ची के चेहरे पर एक ही सवाल है मैं स्कूल कब जाऊँगी मैं ऑफिस कब जाऊँगी मैं कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कब जाऊंगी। एट ऑफ सब मिला के यहाँ की बच्ची स्कूल जाना चाहती है उसमें कोई कमी नहीं है लेकिन बदकिस्मती से उनको जानबूझकर इसमें झोंका जाता है। सर जी आ ना जी ओही बंदे आ जेड़े पवाड़ा पवांदे आ यही साडी यूथ दे हाथ च ना पीओके विच पत्थर फड़ा के उन्ने दे भविख नू करी जांदे आ जी बर्बाद यही लुच्चे करवांदे आ जी सारा दंगा फसाद। लोकी कह रहे ने इन्हां दे खिलाफ असी हुण खुद ही जिहाद छेड़ांगे कहंदे फिर कित्थे भज के जाणगे साडी पुलिस ते जिहड़े पत्थर मरवांदे आ ओही पत्थर इन्हां दे इक दिन चंगी तरह पैणगे। ओए होए ओह मैं कहा सर जी बंदे सच बोल रहे आ गल्लां नाल ना जी तुहाडी शराफत दी पोल खोल रहे आ। हां जी वरगला के इन बच्चों को यूथ को स्टोन पेल्टिंग पे मजबूर कर रहे हैं और एक अच्छी खासी फिजा पे जिस कश्मीर खुशहाल कश्मीर की डगर पे लोग चल रहे थे उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं समझता हूँ लोगों को खासकर यंग जनरेशन को समझना चाहिए कि कश्मीर एक ऐसा पार्ट है जिसने एक लंबी इंसर्जेंसी का दौर देखा है और एक जनरेशन को खो दिया है। उनको सोचना चाहिए आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है वो कहीं भी पूरे वर्ल्ड को अपने हाथ पे देख सकते हैं कि लोग और दुनिया कहाँ पहुँच गई और कश्मीर पिछले 80 दिनों में फिर वहीं पे आ गया जिस चौराहे पे वो 90 पे या 92 में था। तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें जम्मू कश्मीर के आवाम को समझनी चाहिए कि जो सो कॉल्ड इररिलेवेंट लोग इररिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको उन नेफोरियस डिज़ाइन को रिजेक्ट करना चाहिए। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵਿਦ ਚੱਪੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭੜਕ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੱਪੂ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਥਵਾਨ ਨੇ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਪੂ ਕੀ ਬੜਬੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪੱਪੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾਊ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ पप्पू अपनी जान किद्दा छड़ाऊ। हां जी जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो उनकी आप दलाली कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है
हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए, आप हिंदुस्तान के किसान की मदद कीजिए, आप हिंदुस्तान की सेना को सेवंथ पे कमीशन में पैसा बढ़ा के दीजिए, ये आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप निभाइए, हिंदुस्तान ने आपको इसके लिए इलेक्ट किया है, ये सच्चाई है। ओ जी, इन्ना नु तो तुसी जानदे ही हो, नाले चंगी तरह पछाणदे ही हो, ए ओही है जेड़े तगड़ो तगड़ो धरने लांदे आ ते आम आदमी नु चक्करा च पांदे आ, हुण नवे तरीके नाल ना चक्करा च बीजेपी नु पा रहे आ, पप्पू दी हर गल नु ना 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 कह रहे आ, कहंदे समोसा ना बिना चटनी तो नहीं खाना चाहिदा, ते पप्पू नु ना एवें नहीं बड़बड़ाना चाहिदा। सरहद के ऊपर हमारे जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा के बड़ी मेहनत के साथ सर्जिकल स्ट्राइक किए और आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, इसके लिए सेना को हम पहले भी बधाई दे चुके हैं और फिर से बधाई देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने जो सेना की शहादत को, उनकी बहादुरी को खून की दलाली बोला है, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है, इसकी कड़ी निंदा करते हैं हम और कड़ी आलोचना करते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। और हमें लगता है, मैं पहले असेंबली में भी कह चुका हूँ, उसके बाद मैंने जो वीडियो मैसेज दिया था उसमें भी मैंने बोला था कि ये समय ऐसा है जब सरहद के ऊपर तनाव है, हमें पूरे देश को अपने मतभेद दूर करके, राजनीतिक मतभेद दूर करके इस वक्त सेना के साथ खड़े होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी सुरक्षा के लिए जो जो कदम उठा रहे हैं उसके लिए सारी पार्टियों को मिलके, सारे देश को मिलके उनका साथ देना चाहिए। अंकल जी कहंदे छोटू नु ना एजुकेशन दी जरूरत आ, ऐसे करके छेती एजुकेशन दवाओ, लेकिन नाल ही ना काका जी दा मेंटल चेकअप भी कराओ। सर जी गल्लां तां तुहाडियां हैगियां बड़ियां कोड़ियां, कोई ना गर्व पंजाब राही आपां सब नु सुना दांगे ते तुहाडी गल पंजाबी च भी समझा दांगे। हुण तुसी बोलो ते सुनेगा पप्पू। हां जी, दिस क्वेश्चन दलाल मीन्स लॉबीइस्ट, मे बी अ बैड वर्ड फॉर इंडियंस, आई मीन द इंडियंस मे बी ऑफेंडेड बाय इट, बट फॉर सोनिया गांधी एंड हर फैमिली एंड हर चिल्ड्रन एंड देयर हर सन इन लॉ, this is may not be considered a bad word, because they are been doing only nothing but lobbying and getting commissions on that lobbying. Chatpati khabar.